हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फीड ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, बेस्ट क्वेश्चनों का सीरीज लेके आ गई हूँ। आप भी रेडी हो जाइए अपने स्कोर चेक करने के लिए, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है। इस वीडियो में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं सभी, जो आपके एग्जाम के लिए 100% आते हैं। एंड डेली बेसिस पे यदि आप इन वीडियोस को प्रैक्टिस कर रहे हैं मेरे साथ मेरे चैनल पे, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड दोस्तों, यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कंपटीशन एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पे सभी प्रकार के वीडियोज हैं। थ्योरी सेशन डिटेल में पढ़ाया गया है, एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराया गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया गया है, और डेली बेसिस में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा रही हूँ। जैसा कि अब यूपी टीजीटी का एग्जाम भी आपका कंडक्ट होगा जल्द से जल्द, इसलिए आप अवेयर हो जाइए। एंड एमपी सुपर टेट वर्ग टू वर्ग थ्री का भी एग्जाम होगा, एंड एकलव्य मॉडल स्कूल का भी प्रिपरेशन आप सब कर ही रहे होंगे, यूपी अल्टी ग्रेड, अदर स्टेट की टीजीटी पीजीटी एनवीएस। तो दोस्तों, डेली बेसिस मेरे साथ जुड़ जाइए, और ऑथेंटिक चीज़ें यहाँ पे पढ़ाया जाता है, फालतू चीज़ें नहीं पढ़ाया जाता, टाइम वेस्ट भी नहीं होता, वनली काम की बात होता है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, ट्रक शब्द का संबंध किस खेल से है? तो इस शब्द का प्रयोग किया जाता है डाइविंग में। डाइविंग में ट्रक डाइविंग की एक तकनीकी होती है। नेक्स्ट है, ईगल का संबंध किस खेल से है? तो ईगल का संबंध गोल्फ से है। नेक्स्ट है, ले ऑफ शॉट का संबंध किस खेल से है? तो ले ऑफ शॉट का संबंध बास्केटबॉल से है। ले ऑफ शॉट का संबंध किस से है? बास्केटबॉल पर। बास्केटबॉल में दो ढाई कदम पर जंप लेकर बास्केट करना ही ले ऑफ शॉट कहलाता है। नेक्स्ट है, गोल शूटिंग का संबंध किस खेल से है? तो गोल शूटिंग का संबंध जो है वह हैंडबॉल से है। नेक्स्ट है, एंटी का संबंध किस खेल से है? आप तुरंत राइट आंसर दे दिए होंगे, कबड्डी। एंटी का संबंध किस से है? कबड्डी। विपरीत खिलाड़ी को एंटी बोला जाता है। नेक्स्ट है, स्पाइक शब्द का संबंध किस खेल से है? तो यह वॉलीबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट दोस्तों, सीजर्स टेक्निक का संबंध किस खेल से है? तो सीजर्स टेक्निक, वेस्टर्न रोल, स्ट्रेडल रोल, फॉस्बरी फ्लॉप, ये सभी आपका है टेक्निक किस खेल से है? तो टेक्निक ऑफ हाई जंप। किससे है? टेक्निक ऑफ हाई जंप, हाई जंप से रिलेटेड है। नेक्स्ट है, बिशप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों, बिशप का संबंध है चेस यानी शतरंज से। जैसे कि चेस यानी शतरंज में एक प्यादा होता है, एक रुक यानी हाथी होता है, एक बिशप यानी ऊंट होता है, बिशप ऊंट को बिशप या फीला बोलते हैं, एंड एक नाइट यानी घोड़ा होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, स्पेड, स्पेड का संबंध किस खेल से है? तो स्पेड का संबंध जो है वह चेस से है। इसका भी संबंध किससे है? चेस से है, यानी कि शतरंज से। यह ताश के पत्तों के खेल से, जिसे ब्रिज कहा जाता है, एंड काला पान स्पेड, लाल पान हर्ट, इट यानी डिमांड, चीदी यानी क्लब आदि से इसका संबंध है। तो दोस्तों, यहाँ पे स्पेड का संबंध जो है वह चेस से न होकर के यहाँ पे है ब्रिज से। सॉरी, यहाँ पे राइट आंसर ब्रिज होगा, ऑप्शन नंबर ख।
नेक्स्ट है क्वार्टर का संबंध किस खेल से है, तो यहाँ पे इसका संबंध क्रिकेट से है। क्रिकेट खेल का विकेट बनाने वाले विशेषज्ञ को क्वार्टर कहते हैं। नेक्स्ट है आर्बिट्रेटर्स का संबंध किस खेल से है, आर्बिट्रेटर का संबंध शतरंज से है, चेस से, क्योंकि शतरंज के जो निर्णायक होता है उसको आर्बिटर कहते हैं। नेक्स्ट है मार्शल का संबंध किस खेल से है, तो मार्शल शब्द का संबंध जो है वह है ट्रैक एंड फील्ड से, किससे, ट्रैक एंड फील्ड से। ट्रैक एंड फील्ड में ट्रैक का अनुशासन बनाए रखने वाली अधिकारी को मार्शल कहते हैं। नेक्स्ट है इपोन का संबंध किस खेल से है, तो इपोन का संबंध जूडो पॉइंट से है। नेक्स्ट है रेड कॉर्नर का संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध है रेड कॉर्नर व्हाइट कॉर्नर, इसका संबंध होता है बॉक्सिंग से, मुक्केबाजी से। नेक्स्ट लेट का संबंध किस से खेल से है, तो लेट शब्द का संबंध दोस्तों बैडमिंटन में भी होता है, टेबल टेनिस एंड स्क्वैश में भी होता है, एंड टेनिस में भी होता है, तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है हैट शब्द का संबंध किस खेल से है, तो हॉट शब्द का संबंध शूटिंग से है, किससे है, शूटिंग से है। नेक्स्ट है साबरे शब्द का संबंध किस खेल से है, तो साबरे शब्द का संबंध फेंसिंग यानी तलवारबाजी से है। फेंसिंग यानी तलवारबाजी में तीन प्रकार के तलवार का प्रयोग किया जाता है, फायल साबरे एंड एपी, फायल साबरे एंड एपी, तीन प्रकार का तलवार प्रयोग किया जाता है तलवारबाजी यानी फेंसिंग में। नेक्स्ट है भुज कसी किस देश का राष्ट्रीय खेल है, तो भुज कसी जो है अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट है क्रिकर शब्द का संबंध किस खेल से है, क्रिकर शब्द का संबंध हॉकी से है। हॉकी का गोलकीपर जो जूते पहनता है उसे क्रिकर कहते हैं। नेक्स्ट है एसीएल का पूरा नाम क्या है, तो ACL का पूरा नाम है एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, यहाँ पे राइट होगा, एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, घुटने में पटेला अस्थि के पीछे ACL होता है, इसमें चोट लगना ACL इंजरी कहलाता है। यह चोट फुटबॉल के खिलाड़ी को सबसे ज़्यादा लगती है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है भोजन में पोषक तत्वों की कमी क्या कहलाती है, तो दोस्तों भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो उसे कहा जाता है मैल्यूट्रिशन, क्या कहा जाता है, मैल्यूट्रिशन कहा जाता है। एंड भोजन में मिलावट को क्या कहते हैं, तो भोजन में मिलावट को कहते हैं एडल्ट्रेशन ऑफ फूड, ठीक है। भोजन में पोषक तत्वों की कमी मैल्यूट्रिशन कहलाती है, भोजन में मिलावट जो है एडल्ट्रेशन कहलाती है, एडल्ट्रेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट है इनमें से दो असंक्रामक रोग कौन से हैं, तो यहाँ पे स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, फ्लू, COVID-19, अस्थमा, मलेरिया, ये सभी संक्रामक रोग हैं, बट हाई ब्लड प्रेशर एंड डायबिटीज ये दोनों संक्रामक रोग नहीं हैं, तो ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे राइट होगा। नेक्स्ट है BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है, तो BMI ज्ञात करने का फॉर्मूला है
वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर, वेट इन केजी अपॉन हाइट इन मीटर स्क्वायर। बीवाई का फार्मूला तैयार किया 1930 में एडोल्फ क्वेटलेट ने, जो बेल्जियम के गणितज्ञ थे। यानी इसमें यह ज्ञात किया जाता है कि बीएमआई में कि शरीर की ऊंचाई और वजन के आधार पर शरीर में अनुमानित फैट सही है या नहीं। बीएमआई के आधार पर हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि हमारा जो वेट है राइट है कि नहीं। हम मोटापे के अंतर्गत आते हैं कि फिटनेस के अंतर्गत आते हैं कि कमजोर स्थिति में आते हैं, इसका ज्ञात किया जाता है। जैसा कि यदि आपका बीएमआई 16 से 18.9 के बीच में है तो आप अंडर वेट, यानी कि कमजोरी आपको रहेगी, डायबिटीज प्रॉब्लम, वीकनेस, स्ट्रेस, एंजाइटी, मसल्स ब्रेकडाउन आदि प्रॉब्लम्स होगी, यानी कि आपका वजन कम है। यदि 19 से 22.9 के बीच में है तो ऑल गुड, यानी फिटनेस अच्छा रहेगा आपका, सभी कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं रहेगी। अगर 22.9 के बाद 23 से ऊपर है तो आप प्रॉब्लम में आ जाएंगे। अगर 30 से ऊपर हो गया तो आप ओबेसिटी यानी मोटापे के अंतर्गत आ गए, आपको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाएंगी, यानी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोरोनरी डिजीज, जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस, फैटी लीवर, ये सभी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। दोस्तों जैसा कि 22 जो है वर्ल्ड का सबसे वेस्ट बीएमआई होता है, अर्थात 22.1 से ज़्यादा बीएमआई नहीं होना चाहिए, और डेली एक्सरसाइज से ये सभी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 1 ग्राम प्रोटीन शरीर को कितनी ऊर्जा प्रदान करता है? तो 1 ग्राम प्रोटीन जो है शरीर को 4.1 कैलोरीज ऊर्जा प्रदान करता है, एंड 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट भी आपको शरीर को 4.1 कैलोरीज ऊर्जा प्रदान करता है, एंड सबसे ज़्यादा वसा जो है 1 ग्राम में शरीर को 9.1 कैलोरीज ऊर्जा प्रदान करता है। सबसे जल्दी एनर्जी कौन प्रदान करता है? तो कार्बोहाइड्रेट। सबसे ज़्यादा एनर्जी कौन प्रदान करता है? तो वसा। बट हमारे भोजन का 60 से 65% भाग वाली कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि यह हमें तुरंत एनर्जी प्रदान करता है, जबकि वसा से ज़्यादा एनर्जी भले प्रोवाइड आपको होता है बट उसको एनर्जी में बनने लायक बहुत समय लग जाता है, इसलिए हम ज़्यादा किसका इस्तेमाल करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट है, किस पोषक तत्व में नाइट्रोजन पाया जाता है? तो दोस्तों प्रोटीन में नाइट्रोजन पाया जाता है, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट और वसा कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन से मिलकर बना है, जबकि नाइट्रोजन जो है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से मिलकर बना है। इससे नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण प्रोटीन एक अलग प्रकार माना जाता है। नेक्स्ट है, हाई ब्लड प्रेशर को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन के नाम से जाना जाता है। कोई भी चीज़ ज़्यादा हो तो उसे हाइपर से इंडिकेट किया जाता है। नेक्स्ट है, 18.5 से बीएमआई नीचे हो तो क्या कहलाता है? अभी मैं जस्ट बताई हूँ, तो 18.5 से या 18 से कम है बीएमआई तो आप अंडर वेट में आएंगे, ठीक है, अंडर वेट में आएंगे, यानी कि आपका वेट कम है, लंबाई और सभी के हिसाब से आपका वेट कम है, आपको वीकनेस प्रॉब्लम हो सकती है, यानी कि कमजोरी आपको आ सकती है, एंड डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो सकती है, एंजाइटी हो सकती है, मसल्स ब्रेकडाउन, ये सभी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो आपको गुड स्थिति में आना होगा। नेक्स्ट, किस तत्व का एनर्जी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं? किस तत्व को एनर्जी न्यूट्रिएंट्स कहते हैं? तो दोस्तों एनर्जी न्यूट्रिएंट्स बोला जाता है कार्बोहाइड्रेट को। किसको बोला जाता है? कार्बोहाइड्रेट्स को। नेक्स्ट, किस तत्व का लघु नाम CHO है? तो कार्बोहाइड्रेट को शॉर्ट में हम CHO कहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स को। नेक्स्ट है, 30 से ऊपर बीएमआई क्या कहलाता है? अगर 30 से ऊपर का बीएमआई होगा तो आप ओबेसिटी यानी मोटापा के से ग्रस्त हो चुके हैं, आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोरोनरी डिजीज, जोड़ों में दर्द, अर्थराइटिस, फैटी लीवर, ये सभी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। बट इसको डेली एक्सरसाइज से आप प्रॉब्लम्स को ठीक कर सकते हैं। किस तत्व को बॉडी बिल्डर न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है? तो
बॉडी बिल्डर्स यानी कि मसल्स को बिल्ड करने के लिए, जैसे कि वेट लिफ्टर होते हैं, ये सभी बॉडी बिल्डर्स कहलाते हैं। और इन सबको प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है, यहाँ पे प्रोटीन होगा। जब आपको सहनशीलता वाले खेलों में, मैराथन दौड़ में, 5000 मीटर दौड़ में, इसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा उपयुक्त होगा। नेक्स्ट, आँख का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो कॉर्निया को हम दान करते हैं आँख में, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो प्रोटीन की कमी से मरासमस, क्वाशियोकर, ये सभी रोग होते हैं। यहाँ पे आपका मरासमस आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, चेचक के विषाणु को क्या कहते हैं? तो वेरिओला वायरस से चेचक फैलता है। नेक्स्ट है, स्वास्थ्य के आयामों को नाम लिखिए। तो दोस्तों, स्वास्थ्य के 4 आयाम हैं, फिजिकल, सोशल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल। फिजिकल यानी शारीरिक आयाम, सोशल यानी सामाजिक आयाम, मेंटल यानी मानसिक आयाम, स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक आयाम, ये 4 आयाम स्वास्थ्य के हैं। तो उपरोक्त सभी यहाँ पे राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हड्डियों में कौन से दो खनिज लवण अधिक पाए जाते हैं? तो कैल्शियम एंड फॉस्फोरस जो है सबसे अधिक पाया जाता है। ये हमारे हड्डियों और दांतों को मजबूती प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है, किस विटामिन को रेटिनॉल कहा जाता है? तो दोस्तों, विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम रेटिनॉल है। इसको ग्रोथ विटामिन, वृद्धि विटामिन भी कहा जाता है। इसकी कमी से रतौंधी एंड यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस एंड कलर ब्लाइंडनेस एंड कंजक्टिवाइटिस आदि रोग हो जाते हैं। नेक्स्ट है, बेरियाट्रिक सर्जरी का प्रयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों, तो बेरियाट्रिक सर्जरी का प्रयोग जो है मोटापा को कम करने के लिए किया जाता है। तो टू लूज फैट, ऑप्शन नंबर ग यहाँ पे राइट होगा, यानी कि फैट को कम करने के लिए बेरियाट्रिक सर्जरी का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है दोस्तों, 1928 में भारतीय हॉकी टीम के विजय होने पर कौन सा झंडा फहराया गया था? तो जैसे कि भारत ने ओलंपिक में सबसे पहले भाग लिया 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड ओलंपिक में, और उसी में हॉकी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। तो 1928 में भारतीय हॉकी टीम के विजय होने पर कौन सा झंडा फहराया गया था? तो उसमें झंडा ब्रिटिश इंडिया फ्लैग, ब्रिटिश इंडिया का झंडा फहराया गया था। नेक्स्ट है, पैंक्रिया यानी अग्नाशय से कौन से 3 पाचक एंजाइम स्थापित होते हैं? तो दोस्तों, अमाशय में एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये 3 मुख्य रूप से एंजाइम स्थापित होते हैं। एमाइलेज जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, लाइपेज वसा को फैटी एसिड या ग्लिसरॉल में बदलकर पाचन करता है, एंड ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को फैट अमीनो एसिड के में बदल करके पाचन करता है। इसलिए इसको पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा तीनों का पाचन करता है अग्नाशय रस। इसलिए अग्नाशय रस को पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। नेक्स्ट है, भारत किस ओलंपिक की फुटबॉल प्रतियोगिता में 4थे स्थान पर आया था? तो दोस्तों, भारत जो है 1956 मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में 4था स्थान प्राप्त किया था, और यह भारत पहली व आखिरी बार ओलंपिक में 4थे स्थान पर रहा। क्योंकि भारत फुटबॉल में पहली बार भाग लिया था ओलंपिक में 1948 लंदन में, जिसमें फुटबॉल टीम के कप्तान भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान थे टॉम बेंगल। इसमें भारत की तरफ से सिर्फ 1 गोल हुआ था, सारंग पानी रमन ने किया था, और भारतीय टीम अपना पहला मैच 2-1 से फ्रांस से हार गया था। दूसरी बार भाग लिया 1952 में, और तीसरी बार भाग लिया 1956 मेलबोर्न में, जिसमें भारत ने 4था स्थान प्राप्त किया। फिर चौथी बार भाग लिया 1960 रोम इटली में, जिसमें कप्तान थे पीके बनर्जी, और भारतीय फुटबॉल टीम क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाया। और इस ओलंपिक के बाद भारतीय फुटबॉल आज तक ओलंपिक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। नेक्स्ट है, किस ओलंपिक में भारत की पुरुष बास्केटबॉल टीम ने ओलंपिक में प्रतिभाग किया था? तो किस ओलंपिक में भारत की पुरुष बास्केटबॉल टीम ने ओलंपिक में प्रतिभाग किया था? तो 1980 मास्को में, 1980 मास्को में प्रतिभाग किया था भारत की पुरुष बास्केटबॉल टीम ने ओलंपिक में। कब प्रतिभाग किया था?
1980 मॉस्को रूस में। एंड जबकि बास्केटबॉल को ओलंपिक में पुरुष बास्केटबॉल को ओलंपिक में शामिल किया गया 1936 बर्लिन जर्मनी में, और महिला बास्केटबॉल को 1976 मॉन्ट्रियल कनाडा में ओलंपिक में शामिल किया गया। एंड एशियाई खेलों में पुरुष बास्केटबॉल को 1951 नई दिल्ली में, और महिला बास्केटबॉल को 1974 तेहरान ईरान में। और भारत ने पुरुष बास्केटबॉल टीम कब खेलने गई थी सबसे पहले ओलंपिक में प्रतिभाग किया था, तो 1980 मॉस्को रूस में। नेक्स्ट है LNCPE यानी लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर की स्थापना किस समिति की संस्तुति पर की गई थी, तो ताराचंद कमेटी के सुझाव पर लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन ग्वालियर की स्थापना की गई थी। कब की गई थी दोस्तों लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन की स्थापना, तो 1957 में ग्वालियर मध्य प्रदेश में किया गया था। और इसके पहले आचार्य थे PM जोसेफ। एंड 1982 में इसको ऑटोनोमस स्वायत्त शासित संस्था का दर्जा दिया गया, और 2 सितंबर 1995 में इसको डिम्ड विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया। एंड 2000 में UIM खेल मंत्रालय भारत के अधीन आ गया। इसका एक और महाविद्यालय 1985 में LNCPE त्रिवेंद्रम में खोला गया। एंड 2010 में गुवाहाटी असम में LNIPE खोला गया। नेक्स्ट दोस्तों, मैराथन की दौड़ किसकी याद में कराई जाती है, तो मैराथन की दौड़ जो है फिलीपींस की याद में कराई जाती है। मैराथन की दूरी 42.195 किलोमीटर यानी 26 मील 385 गज होता है, और इसकी शुरुआत ट्रैक का एक चक्कर लगाकर और समाप्ति भी ट्रैक का एक चक्कर लगाकर होता है, और जो बाकी का दौड़ होता है वो सड़क पक्की सड़क पर होता है। इसमें अधिकृत स्थानों पर अल्पाहार केंद्र होता है, जिसमें पहला केंद्र 11 किलोमीटर पर और दूसरा केंद्र अन्य केंद्र 5-5 किलोमीटर की दूरी पर होता है। अल्पाहार केंद्र पर खिलाड़ी जल को अपने शरीर पर डाल सकता है। एंड दोस्तों, प्रथम बार आयोजित हुआ था 42.195 किलोमीटर यानी 26 मील 385 गज का 1908 लंदन ओलंपिक में। इसको मान्यता मिली 1924 पेरिस फ्रांस में। नेक्स्ट है दोस्तों, 100 मीटर की दौड़ के लिए असेंबली लाइन स्टार्ट लाइन से कितने पीछे चिन्हित होती है, तो असेंबली 100 मीटर के दौड़ के लिए असेंबली लाइन स्टार्ट लाइन से कितने पीछे चिन्हित होती है, तो 3 मीटर पीछे। नेक्स्ट है, भारत ने आधिकारिक रूप से किस ओलंपिक में भाग लिया था, तो भारत ने आधिकारिक रूप से 1928 एमस्टर्डम हॉलैंड में भाग लिया था, जिसमें हॉकी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। नेक्स्ट दोस्तों, पोंड्रल इंडेक्स में किन दो अंगों का अनुपात देखा जाता है, तो पोंड्रल इंडेक्स में वेस्ट एंड हिप यानी कमर एंड कुल्हे का अनुपात देखा जाता है। नेक्स्ट है, 100 मीटर का धावक किस कारण से तेज दौड़ता है, तो दोस्तों 100 मीटर का धावक जो है वाइट मसल फाइबर आर मोर देन रेड मसल फाइबर, यानी क्योंकि मांसपेशियों में वाइट मसल फाइबर रेड मसल फाइबर की तुलना में अधिक होते हैं, ठीक है, इसलिए 100 मीटर का धावक तेज गति से दौड़ता है। जैसे कि मांसपेशी फाइबर जो है दो प्रकार का होता है, एक रेड मसल फाइबर एक वाइट मसल फाइबर। वाइट मसल फाइबर ये फास्ट ट्विस्ट फाइबर होती है, जल्दी जल्दी संकुचित होता है, जिसमें अनैरोबिक क्रिया जैसे कि कम समय की क्रियाओं के लिए ज़्यादा बेटर होता है, जैसे 100 मीटर दौड़, वेट लिफ्टिंग आदि। एंड जो रेड मसल फाइबर होता है ये स्लो ट्विस्ट फाइबर होता है, धीरे धीरे संकुचित होता है, इसमें माइटोकांड्रिया एंड एरोबिक क्रियाओं में ज़्यादा होता है, सहनशीलता वाले क्रियाओं में जैसे लंबी दौड़ हो गया, मैराथन दौड़ हो गया, इसमें रेड मसल फाइबर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय फुटबॉल क्लब नहीं है, तो दोस्तों यहाँ पे कौन नहीं है, तो डेम्पू क्लब, मोहन बागान क्लब, ईस्ट बंगाल क्लब, ये सभी भारतीय फुटबॉल क्लब हैं, बट बॉथम कप नहीं है। तो दोस्तों ये था आज के सेशन में 50 MCQ क्वेश्चंस। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको
समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए, डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड दोस्तों इसी तरह आप डेली बेसिस से प्रैक्टिस करते रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी किया कीजिए। एंड फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए जय।